आप भी कुछ इस प्रकार अपने एनिमेशन करेक्टर के फेस बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, क्या स्टेप्स हैं और क्या जरूरी बातें आपको याद रखनी है जानेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो होने वाला है इंटरेस्टिंग। इस वीडियो को एंड तक अगर आप देख लेते हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप भी अपने करेक्टर के खुद का फेस बनाना सीख लेंगे। अगर आप भी चाहते हैं आप अपने करेक्टर के खुद के फेस बनाएं तो इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारे करेक्टर की एज कितनी है। हम 10 साल के करेक्टर का फेस बनाना चाहते हैं या 20 साल के करेक्टर का फेस बनाना चाहते हैं। हम एक बूढ़े का फेस बनाना चाहते हैं या एक जवान हैंडसम लड़के का फेस बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपके करेक्टर का एज क्या है। एज सिलेक्ट करने के बाद हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने करेक्टर का पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी सिलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि करेक्टर के फेस को हम उसी टाइप से डिजाइन करने वाले हैं। अब पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि एक पतला करेक्टर बनाना चाहते हैं या एक मोटा करेक्टर बनाना चाहते हैं, एक लंबा करेक्टर बनाना चाहते हैं या एक छोटा करेक्टर बनाना चाहते हैं। मतलब कि उसकी हाइट और वेट भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। जब इन दो प्रिंसिपल्स को हम फॉलो कर लेते हैं तो हम चल सकते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पर, जिस प्रिंसिपल में हमें जानना होगा कि हमारे करेक्टर को हम क्या रोल देने वाले हैं अपने वीडियो में। जैसे कि मान के चलिए आप एक स्कूल लाइफ के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो आप जिस करेक्टर का खुद का फेस क्रिएट करना चाहते हैं आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि उस करेक्टर को आप कौन सा रोल देना चाहते हैं अपने वीडियो में। क्या वो एक साइड करेक्टर है, क्या वो आपके वीडियो का मेन करेक्टर है, क्या वो आपके वीडियो के मेन करेक्टर के क्रश है या उसकी क्रश की फ्रेंड है। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आप किसका फेस बनाना चाहते हैं, एक एवरेज लड़के की, एक क्यूट लड़के की, एक हैंडसम लड़के की या एक ओल्ड एज हैंडसम अंकल की। तो इन बातों को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा करेक्टर बनाने से पहले। तो इन तीन प्रिंसिपल्स को आपको जरूर ही फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा किसी भी एनिमे, कार्टून या एनिमेशन वीडियो में कि जो करेक्टर होता है उसका जो हेयर होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आप नोबिता को देख सकते हैं, सिंचैन को देख सकते हैं, इनफैक्ट कि आप छोटा भीम या मोटू पतलू में से किसी भी करेक्टर को आप देख सकते हैं कि सभी के बाल जो हैं वो सिंपल डिजाइन किए गए हैं ताकि साइड एंगल्स बनाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और ना ही बार बार ड्रॉ करने में कोई परेशानी हो। जितना सिंपल रखोगे उतना ही फ़ायदा होगा आपके लिए और वो करेक्टर उतना ही एट्रैक्टिव लगेगा। दोस्तों प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किसी करेक्टर को शेप कैसे दे सकते हो और कैसे करेक्टर बना सकते हो। पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना। सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आप सभी को पता है मेहनत बहुत लगता है वीडियो बनाने में। गाइस कुछ सिंपल स्टेप्स में मैं आपको सिखा दूंगा कि आप कैसे एक करेक्टर का फेस बना सकते हो। पहला स्टेप ये है कि किसी करेक्टर का फेस बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। आप फ्लिपर क्लिप का यूज़ करके इजीली कर सकते हो ये। सबसे पहले आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया तो सेकंड स्टेप ये है कि इस सर्कल के बीच में ऊपर से लेकर नीचे तक एक सीधी लाइन आपको खींचनी है। इसके बाद तीसरा स्टेप जो है, इस स्टेप में दोस्तों उसी सर्कल पे आपको 4 राइट टू लेफ्ट लाइन मारने हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। फोर्थ स्टेप में आपको जो सेकेंड और थर्ड लाइन है उसके बीच एक छोटा सा लाइन मारना है कुछ इस प्रकार। फिफ्थ स्टेप में आपको इसी लाइन को थर्ड लाइन से होते हुए फोर्थ लाइन के साथ जोड़ना है। सिक्स्थ स्टेप में अब आपको करेक्टर की आंखों को डिज़ाइन करना है। सेवन्थ स्टेप पर हम थोड़ा और डिटेलिंग में काम करेंगे, और जब हमारा एट्थ स्टेप आएगा तो इस स्टेप में हम अपने करेक्टर का मुँह भी बनाएंगे। नाइन्थ स्टेप में आँखों को और अच्छे से दिखाना है हमें, और जो हमारा 10th स्टेप होगा उसमें हम और डिटेलिंग से काम करेंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 11th स्टेप में हम उन लाइंस को इरेज कर देंगे जिन लाइंस की हमें ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने किया है। 12th स्टेप पर हम करेक्टर का हेयर बनाएंगे, और दोस्तों 13th स्टेप पर इसे पूरा कंप्लीट करेंगे जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और जो हमारा इसके बाद फाइनल टच होगा वो होगा कलर करना करेक्टर को, और कलर करने के बाद हमारा करेक्टर कुछ इस प्रकार दिखेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने करेक्टर को किस तरह से इजीली बनाया, उसी प्रकार से आप भी बना सकते हैं बहुत ही इजीली। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो और वीडियो देखकर कुछ इन्फॉर्मेशन आपने ज़रूर गेन किया हो। तो इस वीडियो को लाइक कर दे, एक प्यारा सा कॉमेंट
जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें। तो आप किस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपने डिमांड जरूर रखें, मैं उस टाइप की वीडियोस अपलोड करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।